Hi, this is me, Mathira, and I'd like to say subscribe and like Mont Blanc Entertainment on YouTube and on Instagram, and get to know and see your favorite dramas. Take good care. Keep supporting. Loads of love. दर्द रुकता नहीं एक पल भी। फजूल की बात है, ये तैयार नहीं है। उसे तो खुश होना चाहिए। तलाक याफ्ता लड़कियां तो घर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती हैं, कोई ने मुंह नहीं लगाता। और ये है कि इनके तो नखरे नहीं मान। मैं बताऊंगी उसको कि रायमा एक बद किरदार लड़की है और वो उससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, जिसके बारे में ये भी नहीं पता कि उसकी कभी शादी हुई भी थी कि नहीं। शट अप। ये सच है कि इमसाल इमरान को पसंद करती है, लेकिन इमरान ये बात नहीं जानता। वो सिर्फ तुम्हें चाहता है। अगर वो ये बात नहीं जानता था, आप तो ये बात जानते थे ना। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और इमसाल भी आपसे मोहब्बत करती है। इमरान, वो तो शुरू दिन से आपको चाहती है। ये क्या कह रही हैं आप? यही सच है इमरान, आप प्लीज मेरी बात मान लें, आप मुझे भूल जाएं और इमसाल को अपना। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आसम साहब मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकते, और इमरान वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। अरे यही तो कमजोरी है हम औरतों की कि हम मर्दों पे अंधा इतमाद करते हैं, पर कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि जो उनको बताया जा रहा है वो सच भी है कि नहीं। इमरान, आजम, घर के सारे ही लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तुमसे। आपने जो कहना था मैंने सुन लिया। अब बेहतर होगा कि आप यहां से चली जाए। चली जाऊंगी, लेकिन मेरे जाने से सच्चाई तो नहीं बदलेगी ना। देखो सालिया, मैं तुम्हारी दुश्मनी में नहीं हमदर्दी में आई हूं। तुम्हें आने वाली बदनामी से आगाह कर रही हूं पहले से। रायमा एक दफा इस घर में आ जाएगी तो तुम दुनिया वालों को क्या बताओगी? किसका बच्चा है, कौन बाप है? सोचो तो सही, कितनी जिल्लत उठानी पड़ेगी, कितनी बदनामी होगी। क्या तुम लोगों के ताने सुन सकोगी? जानती हो तुम एक अच्छे खानदान से हो, यकीनन तुम्हारे यहां ऐसी लड़कियों से रिश्ते नहीं जोड़े जाते होंगे। देखो, बेहतर है कि तुम इमरान को समझाओ, को रायमा के साथ शादी का पागलपन खत्म कर दे। उसकी जिंदगी के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आजम साहब तो बता रहे थे कि लड़की शरीफ खानदान से है, शादी हुई थी लेकिन शौहर तलाक देकर गायब हो गया। अरे ये सब कहानियां हैं, पता नहीं उसकी शादी हुई भी थी कि नहीं, किसका बच्चा है, हकीकत कोई नहीं जानता। उसकी रेपुटेशन गांव में भी अच्छी नहीं थी, वरना मरने से पहले उसका बाप आजम के हवाले क्यों करता अपनी बेटी को, अपने खानदान में क्यों नहीं छोड़ता? लेकिन आजम साहब ऐसा क्यों करेंगे? उसकी तो तुम छोड़ ही दो, उसे तो हमेशा से शौक था थर्ड क्लास लोगों के साथ हमदर्दी जताने का, पता नहीं क्या पट्टियां पढ़ाई हैं उसे। काश मैं उस वक्त घर पर होती तो मैं उसे कभी रहने ना देती। मैं तो परेशान हो गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपकी बात पे यकीन करूँ या मत। करो मेरी बात पे कोई भी यकीन, खुद जाकर देखो, 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है वो, सच्चाई खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी। क्योंकि मैं उससे चाहता हूं, मोहब्बत करता हूं, शायद तुम अब तक इस बात को समझ नहीं सके हो। इंसान मोहब्बत एक एहसास है, बाजार से खरीदी हुई कोई चीज नहीं जिसे एहसानों के बदले पक्ष किया जाए। वो मुझसे नहीं शादी करना चाहती, ना करे, मुझसे मोहब्बत नहीं करती, ना करे, लेकिन मुझे तो अपने आप से मोहब्बत करने से नहीं रोक सकती। एक फैसला उसने किया और एक फैसला मैंने, और ये मेरा आखिरी फैसला है।
बहुत बेशरम लड़की हो तुम। जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। सारी जिंदगी तुम पे और तुम्हारे बाप पे हमने एहसान किए, इसका ये बदला दे रही हो? अब्बा, इस तरह से हाथ पैर छोड़ने से क्या फायदा? हिम्मत से काम ले। ये औरत तो पहले ही बहुत बदनाम है, जल गई हमारी खुशियों से, इसलिए आग लगाने चली आई। मत ध्यान दें उसकी बातों पर, हमारा इमरान ऐसा नहीं हो सकता। आपका बेटा फरमाबरदार बेटा है, वो आपसे झूठ कैसे बोल सकता है? ठीक कह रही हो तुम, लेकिन तैयबा, जिस एतमाद से रिशा सारी बातें बताकर गई ना, मेरे तो दिल में खौफ बैठ गया है कि अगर ये सब बातें सच हुई तो। ऐसा नहीं हो सकता आपा। देखिए, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो दूसरों की खुशियों से जलती हैं, हो सकता है इसकी भी ऐसी आदत हो, इसलिए आग लगाने चली आई। अरे नहीं, उसे हमसे क्या दुश्मनी, क्यों हमारी खुशियां बर्बाद करेगी भला? अल्लाह जाने वो ऐसा क्यों कर रही है। बहरहाल छोड़ें ये बातें, आप इमरान से बात करें, वो यकीनन रामिया के बारे में सारी सच्चाई जानता होगा। जो कुछ वो जानता है ना, 10 बार दोहरा चुका है मेरे सामने, और मुझे पता नहीं क्यों डर लगता है जैसे फिर से वही बात दोहराएगा। तो फिर आप क्या चाहती हैं? सच्चाई तक पहुंचना चाहती, जिसके लिए मुझे खुद रायमा के माजी में झांकना होगा। आज मैं बहुत खुश हूं, जो काम तुम्हारा बाप इतने दिनों में नहीं कर पाया ना, मैं आज चंद दिनों में करके आ गई हूँ। कैसा काम मामा? तुम्हें पता है अभी मैं किससे मिलके आ रही हूँ? किससे? इमरान की माँ से। इमरान की मामा से? पर क्यों? तुम्हारे रास्ते के कांटे को दूर करने के लिए। प्लीज मामा, ठीक से बताए ना क्या कहना चाह रही है। मैंने इमरान की माँ को रायमा की प्रेगनेंसी के बारे में सब बता दिया, पर ऐसे बताया है कि मरते मर जाएंगी, लेकिन इमरान से उसकी शादी नहीं करेंगी। मामा, ये क्या किया आपने? वही जो मेरी बेटी की खुशियों के लिए सही था। मामा बहुत गुस्से होंगे। मामा, आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। ये काम बाबा का था, वैसे बाबा को करना चाहिए था। बहुत अकड़ रहा था ना इमरान तुम्हें ठुकरा कर, अब पता चलेगा मोहब्बत खोने का क्या असर होता है। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि अपनी वालदा को सच्चाई बता दूं, कहीं मैं उनके आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। रायमा, बेटा 10:30 बज गए हैं, 11 बजे का अपॉइंटमेंट है, आधा घंटा तो रास्ते में ही लग जाएगा। ना भी 2 मिनट बस आई। आप लोग अचानक क्यों? बताए बगैर नहीं आ सकते? नहीं नहीं, मैं बता कर आते तो अच्छा था, मुझे असल में जरूरी काम से जाना था। कोई बात नहीं, आइए अंदर आइए। वैसे खैरियत, इतनी सुबह सुबह सब ठीक है ना? खुदा करे सब ठीक ही हो। मैं समझी नहीं। रायमा से मिलने आई हूं मैं, आप उसे बुला दीजिए प्लीज। वो तो सो रही है, रात को उसके सर में दर्द था तो वो देर से सोई थी। कोई बात नहीं, आप उठा दें उसे, हम इंतजार कर लेंगे। जी सॉरी अना भी, मैं जरा ले। आप तो कह रही थी कि रायमा सो रही है। जी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और क्या क्या छुपा के रखा है आपने? कुछ नहीं सोलिया, हम भला क्या छुपाएंगे आपसे। बस करें खुदा के लिए, सब जान गई हूं।
कि ये अपने पेट में किसी के गुनाह को छुपाए फिर रही है। आप मेरे बेटे को बेवकूफ बना सकते हैं, मुझे नहीं। आजम साहब से कह दीजिए कि ये गुनाह की पोटली मेरे घर पे नहीं, कहीं और जाके फेंके। सर ये फल कदीर साहब ने भिजवाइए, कह रहे थे पढ़ने के बाद आके उनसे मिलने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हेलो, कौन? रायमा, आप रो क्यों रही हैं, क्या हुआ? और कितना जलील करवाएंगे आप मुझे? क्या चाहते हैं आप, कि मैं अपनी जान दे दूं? रायमा प्लीज ऐसी बातें मत करें, कुछ बताइए तो सही, हुआ क्या है? किसी ने कहा है कुछ आपसे? आपकी वालदा को सब कुछ पता चल गया और वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। अम्मा, वो वहाँ क्या कर रही है? खुदा के लिए इमरान, इन्हें यहाँ पे आके ले जाइए, मैं बहुत तोहमतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। रायमा आप परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ, पहुँचता हूँ। आप मैं मानती हूँ कि आपने हमारी बहुत मदद की है, बहुत ख्याल किया है हमारा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इस बदकिरदार लड़की को मेरे बेटे के पल्ले से बांधकर अपने एहसानों का बदला चुकाना चाहते हैं। क्यों किया आपने ऐसा? आखिर क्यों बात छुपाई इतनी बड़ी हमसे? आप सच कह रही हैं, गलती हमसे हुई है, हमें ये बात आपसे छुपानी नहीं चाहिए थी। तो क्यों छुपाई, यही सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे। वो इसलिए कि इमरान नहीं चाहता था। क्यों, वो ऐसा क्यों चाहेगा? इमरान रायमा को खोना नहीं चाहता था, और वो ये जानता था कि अगर आपको सच्चाई पता चल गई तो आप कभी भी उसे अपनी बहू बनाने पे तैयार नहीं होंगे। इसीलिए उसने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम आपसे ये बात छुपा लें। हद होती है, हद होती है। उसने कहा और आपने ये बात मान ली? मानना पड़ी, क्योंकि मैं इमरान और रायमा को खुश देखना चाहता था। देखो सौलिया, सारी सच्चाई तो सामने आ गई, आप इस बात को यहीं खत्म कर दो। तभी कैसे खत्म कर दूं? ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात है आजम साहब, रायमा किसी के बच्चे की माँ बनने वाली है, कैसे भूल जाओ भाई? आप ठीक कह रही हैं, लेकिन रायमा बदकिरदार नहीं है, वो बहुत शरीफ है और... अच्छा बस कीजिए, खुदा के लिए बस कीजिए, अब हमें कुछ और नहीं सुनना। चलो तैयबा, उठो यहाँ से। अम्मा आप यहाँ क्या कर रही हैं? मत कह मुझे अम्मा, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। इन सब की तरह तू भी झूठा है। मैंने समझाया था तुम्हें कि सब कुछ अपनी माँ को बता दो, सब बिगाड़ दिया। चलो सिपा, उठो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मामा, इमरान की वालदा तो बहुत गुस्से में थी। हाँ तो जाहिर है, होना भी चाहिए, इतनी बड़ी बात छुपाकर बड़ी बेवकूफ़ी की इन लोगों ने, अब इसका खुमियाजा भुगते। चलो अच्छा हुआ ना, हमारा काम आसान हो गया। वो तो ठीक है मामा, लेकिन 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 कुछ नहीं, सुकून से रहो और देखती जाओ मैं आगे करती क्या। मैंने आज तक जैदान को गलत समझा, सोचा कि उसकी तरबियत में कहीं ना कहीं कोताही हो गई है मुझसे, लेकिन आज एहसास हुआ कि
कोताही तो तुम्हारी तरबियत में भी हो गई। सैदान कितना ही बुरा क्यों ना सही, तुमसे अच्छा है कम से कम गलत काम करके चेहरा तो छुपा लेते हैं मुझसे, और एक तुम हो इतना कुछ करके भी शर्मों की तरह मेरे सामने बैठे हो। मैं यकीन करें ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जो कुछ भी पता चला है वो सब गलत है। बकवास मत करो, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, वो उम्मीद से। पापा एक बार उसकी बात तो सुन ले। जो कुछ सुन चुकी हूं उसके बाद हिम्मत नहीं कुछ और सुनने की। इससे कहो कि चुपचाप मेरी नजरों से दूर हो जाए। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही? खुदा की कसम मैं आपको सब कुछ बताने वाला था। अगर बताना होता ना तो बहुत पहले ही बता चुके होते। वो तो भला हो अरीशा का जिसने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो खानदान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। क्या मतलब? अरीशा, अरीशा मैम यहां ही थी? हाँ, ये सब उन्होंने बताया। अब समझा मैं, इसका मतलब ये सारा फसाद उन्होंने ही फैलाया है। फसाद उनका नहीं, फसाद उस लड़की का फैलाया हुआ है। इसकी वजह से हमारे घर की खुशियां बर्बाद हो गई। कान खोलकर सुन लो इमरान, मैं तुम्हें उस लड़की से शादी नहीं करने दूंगी। लेकिन अम्मा इस सब में राइमा का क्या कसूर? मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये मुमकिन नहीं है अम्मा। एक फैसला आपने किया और एक फैसला मैंने। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ राइमा से, वरना नहीं करूंगा। ठीक है, ले आओ उसे, लेकिन एक बात तुम भी सुन लो कान खोल के, मैं इस घर में एक लम्हा नहीं रुकूंगी। मां अब तुम बताओ इन हालात में अम्मा को कैसे मनाऊंगी? यार देखो, जो तुमने मुझे इस लड़की के बारे में बताया है, उन सारी बातों को सुनने के बाद लग रहा है कि जैसे अम्मी बिल्कुल ठीक है। देखो तुम अच्छे भले लड़के हो, पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी। क्या जरूरत है एक तलाक याफ्ता लड़की के साथ शादी करने की? मुझे उसे तुम ये सब कुछ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने जिंदगी में कभी पहले मोहब्बत ही नहीं की। ऐसी बात नहीं है, मैं भी इंसान हूं, मोहब्बत करता हूं, इसलिए जानता हूं कि जज्बात कैसे होते हैं। अगर जानते होते हैं तो इस मुश्किल वक्त में तो मेरा साथ देते, ऐसे दर बदर छोड़कर ना चले जाते। यार इमरान मैं मजबूर था। और मैं भी मजबूर हूँ, अपनी मोहब्बत दिल से निकाल नहीं सकता और उसे छोड़ नहीं सकता। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। क्या करोगे तुम कुछ नहीं कर सकते। अरे यार ऐसी बात नहीं है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं आता हूँ ना तो मिल के अम्मा को मना लेंगे, ठीक है? अच्छा, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है या इस बार भी तुम चक्कर ही दे रहे हो? मैं पूरी कोशिश करूंगा और मुझे जो भी हो सका वो सब करूंगा, तेरी शादी इसी लड़की से करवाऊंगा। थैंक यू सो मच। तुम इस हद तक गिर जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या जरूरत थी इमरान की वालदा को वो सारी बातें बताने की? इसलिए कि मैं तुम्हारी तरह झूठी नहीं हूं। बकवास बंद करो, तुमसे बड़ा झूठा मैंने आज तक नहीं देखा। तुम सिर्फ वहां इसलिए गई थी कि रायमा और इमरान का रिश्ता खत्म हो जाए। अगर तुम सच जानना चाहते हो, हाँ यही सच है, मैं वो हर काम करूंगी जिससे मेरी बेटी की खुशियां वाबस्ता है, चाहे उसके लिए मुझे किसी का रिश्ता ही क्यों ना तुड़वाना पड़े। अगर इमसाल से इतनी मोहब्बत थी तो क्यों छोड़ के गई थी अकेला बचपन में? मैं उसे अकेला छोड़ के नहीं गई थी, तुमने मुझे मजबूर किया था ये घर छोड़ के जाने के लिए। बंद कर दो, खुदा के लिए ये झगड़ा बंद कर दो, क्यों इस घर को फिर से जहन्नुम बना रहे हो? माना भी ये घर उसी वक्त जहन्नुम बन गया था जब ये औरत इस घर में आई थी, जब से आई ये सुकून बर्बाद कर दिया मेरा। मैं खुद नहीं आई थी, तुम लोग ने मुझे मजबूर किया था,
वरना मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। ठीक कह रही हो तुम, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो हमें और चली जाओ यहाँ से। बाबा प्लीज इस तरह की बातें मत करें। तो और क्या करूं बेटा, ये औरत इस घर में रहेगी तो रोज इसी तरह के फसाद होते रहेंगे, बेहतर है कि ये इस घर से चली जाए। सुना तुमने, ये शख्स किस तरह मुझे जलील कर रहा है। मामा मामा, आप क्यों इन सब से मेरी वजह से दुश्मनी ले रही हैं? बस भूल जाए ना ये सब बातें, मैं भी भूल जाऊंगी। नहीं बेटा, पूरी दुनिया भी मेरी दुश्मन बन जाए लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। बस यहां नहीं रहूंगी, अपने घर चली जाऊंगी। आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी। या अल्लाह, ये सब कुछ हो रहा तुम्हारे साथ वहां पे? जीना मुश्किल हो गया मेरा शाजिया, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम्हारी बेबसी देख के मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। काश काश मैं तुम्हारे पास वहां होती, तुम्हारी थोड़ी मदद ही कर सकती। इंसान की तकदीर में अगर दुख लिखे हुए होते हैं ना शाजिया, तो फिर उस दुखों को वो खुद ही झेलता है। तुम मेरी तकदीर थोड़ी ना बदल सकती हो। हाँ लेकिन तुम्हें हौसला तो दे सकती हूँ ना। कितनी बार कहा था कि छोड़ दो वो शहर जहाँ तुम्हें इतने दुख मिलते हैं, यहाँ आ जाओ हमारे पास। दुख तो मेरे अपने शहर में मुझे कम नहीं मिले, सब कुछ तो छिन गया, कुछ भी नहीं बचा, पता नहीं क्या करूं। बहरहाल तुम हिम्मत से काम लो, इस तरह परेशान रहोगे तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। तुम्हें अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी तो ख्याल रखना है ना। तुम्हें उसके लिए जीना है। उसी के लिए तो जी रही हूँ शाजिया, वरना तो मैं कब की ये दुनिया छोड़ देती। आज तो ये बात कर दी है तुमने, आइंदा मत करना। सब्र करो, खुदा सब्र करने वालों के साथ होता है। और देखना, एक ना एक दिन तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यकीन है पूरा मुझे। ठीक है, ले आओ। लेकिन एक बात तुम भी सुन लो कान खोल के, मैं इस घर में एक लम्हा नहीं रुकूंगी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं बेटा, जो भी हालात हैं उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बल्कि शर्मिंदा तो मैं हूँ तुमसे कि मैं ठीक से तुम्हारी देखभाल नहीं कर सका। अंकल मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं अब अपने घर जाना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे नथिया गली वापस भिजवा दें। वैसे भी मेरी वजह से यहाँ पे सब लोग दुखी हैं, मैं चली जाऊंगी तो सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। यहाँ पहले ही बहुत कुछ ठीक नहीं है, ना तुम्हारे जाने से बेहतर होगा। लेकिन मैं तो सुकून से रहूंगी ना अंकल, कम से कम कोई मेरे बच्चे पे उंगलियां तो नहीं उठाएगा। क्या करूं, सर ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। इमरान बहुत अच्छा लड़का है, एक बार तुम्हारी शादी उससे हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा अंकल, इमरान की अम्मी जो मेरे और मेरे बच्चे के बारे में बोल के गई हैं, वो सब सुनने के बाद तो मैं कभी इमरान से शादी नहीं करूंगी। बेटा इमरान की वालदा इस वक्त जज्बाती हो रही है, बात समझ नहीं रही कि इमरान की खुशियां तुमसे जुड़ी हैं। जिस दिन उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी वो तुम्हें जरूर अपना लेंगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप उन्हें मना करते हैं, बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। मुझे रेखा नहीं दबा सर चौधरी, तैयबा से कहो चले जाए यहाँ से, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, मुझे नहीं बात करनी, यहां से जाए कहो ना जाए।
तुम की जान। जब तुम्हारे घर वाले यहाँ मौजूद हैं, तुम अकेले क्यों रह रहे हो? घर क्यों नहीं लौट जाते? लंबी स्टोरी है, किस दिन फुर्सत से सुनाऊंगा। ठीक है, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपने भाई के पास होना चाहिए, वो मुश्किल में है। जानता हूँ और मदद भी करना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त कराची नहीं जा सकता। तुम्हें किसी भी तरह जाना चाहिए, उन्हें यकीनन अच्छा लगेगा। वैसे जितनी बातें तुमने मुझे अभी तक अपनी वालदा के बारे में बताई हैं, उनसे तो लग रहा है कि वो काफी टिपिकल किस्म की खातून है। ऐसी बात है नहीं, दरअसल इमरान जिस लड़की को चाहता है उसके साथ काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम्स हैं। सिर्फ तलाक याफ्ता होती तो शायद अम्मा मान भी जाती, अगर देखा जाए सारा तो अम्मा इस बात में गलत नहीं है, किसी और की औलाद को पालना आसान काम नहीं होता। हाँ, लेकिन दुनिया में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो दूसरों के औलाद को पालते हैं, बात सिर्फ अपनाइयत की होती है। मोहब्बत से किसी के भी दिल को जीता जा सकता है अगर नियत में खलूस हो तो। वैसे अगर तुम्हारी वालदा इमरान की पसंद को दिल से कबूल कर लें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। वैसे तुमने कभी अपनी शादी के बारे में नहीं सोचा? मेरी शादी के बारे में बात कहाँ से आ गई? क्यों छोटे भाई की शादी के लिए इतने परेशान हो, अपनी शादी नहीं करोगे क्या? तुम्हें मोहब्बत नहीं हुई या अकेले रहने का शौक हो गया? ये भी लंबी स्टोरी है, किसी फुर्सत से बताऊंगा। आखिर ये लंबी फुर्सत मिलेगी कब तुम्हें? मिल जाएगी, बहुत जल्द मिल जाएगी, एक दिन सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। लंच के लिए जा रहे हो? मैं भी चलूं तुम्हारे साथ, मुझे कोई जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। देखो इमरान, प्लीज मेरी बात सुन लो, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कसूर नहीं है। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कसूर नहीं, जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी वालदा को कसूर नहीं है, लेकिन अरीशा मैम ने मेरे घर में आके जो तमाशा लगाया उसमें किसका कसूर है? मैं मानती हूँ इमरान के मामा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर जो हुआ सो हो गया ना। हाँ, जो होना था वो हो गया, इससे ज्यादा होने की तो गुंजाइश ही नहीं। बहरहाल मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रायमा से, वरना किसी से नहीं। एक्सक्यूज मी, मेहनत से पाल पोस कर जवान किया, सोचा था बड़े होकर सहारा बनेंगे मेरा, एक अपनी जिंदगी जीने चला गया और दूसरा मनमानी करके तकलीफ दे रहा। क्या इसी दिन के लिए इतनी मेहनत से पाला पोसा मम? हाँ, आपके दुख को समझती हूँ आपा, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को उनकी बात मानना पड़ती है। क्यों खुद को अलगान कर रही है? मान जाए इमरान की बात, खुद को अलगान ना करें, शैतान की तरह ऐसा ना हो कि आप इमरान से भी हाथ धो बैठे। नहीं मानूंगी, हरगिज़ नहीं मानूंगी, छोड़ के जाना है तो चला जाए, जी लूंगी अकेली में। कैसी बातें कर रही हैं आप, क्यों आप अकेली जिएंगी? देखिए आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, रायमा भी तो किसी की बेटी है ना, हो सकता है हमने जो कुछ भी उसके बारे में सुना है सब सच हो। जरा सोचे, उसकी जगह आपकी बेटी होती तो गला दबा देती उसका मैं अपने हाथों से।
बहरहाल जो भी है, इस मसले का हल तो हमें निकालना पड़ेगा। बस अब इन मुसीबतों से पीछा छुड़ाने का एक ही हल है कि वो किसी और लड़की से शादी कर ले। मैं मरते मर जाऊंगी लेकिन किसी की हराम की औलाद अपने आंगन में बर्दाश्त नहीं करूंगी। घर छोड़ के जाने का कोई फायदा नहीं है। जो भी बात करनी है सुकून से बैठकर कर ले, बल्कि मैं तो कहती हूं कि इस मौजू को भूल ही जाए तो बेहतर है। किसे समझा रही हैं अपना भी, इसे समझना होता तो इतनी बड़ी बेवकूफी ना करती। जाने दें इसे, इसमें हम सबकी भलाई है। देख लिया, ये इज्जत मिल रही है मुझे इस घर में। बाबा ये आप गलत कह रहे हैं। बेटा तुम इस मामले में नहीं बोलो। क्यों ना बोले, बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है, इस घर के हर मामले में बोलने का सिर्फ पूरा हक है। मामा प्लीज, हम दोनों मेरी वजह से झगड़ा मत करें। मैं तो बेटा झगड़ा खत्म करने आ रही हूँ, इसीलिए जा रही हूँ। और अगर तुम्हें भी मेरे साथ चलना है ना तो चलो, वरना रहो इस जहन्नुम में। मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रही हूँ। यार तू समझ नहीं रहा, इस वक्त इमरान बहुत मुश्किल में है, मेरा कराची जाना बहुत जरूरी है यार। फिर आखिर तेरा प्रॉब्लम क्या है? पहले तू बिना बताए पाकिस्तान चला गया, अब तू कहता है कि घर जाना है। तू पागल तो नहीं हो गया? दिमाग तो खराब नहीं हो गया था? यार जितना बेहस तू मुझे समझता है ना, और जितना मैं खुद को भी समझता था, मैं इतना हूँ नहीं, बस बहुत टेंशन हो रही है। यार मैं तेरी सारी टेंशन समझ सकता हूँ, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ कि तू मजीद किसी और टेंशन में मत फंसे। यार तूने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा, हम इस अजाब से आज़ाद हो जाएंगे। हाँ ज़रूर होंगे, लेकिन अभी तक हुए तो नहीं, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ कि ये वक्त मुनासिब नहीं है ज़्यादा। यार अच्छा अगर मैं अम्मा और इमरान से मिलकर फ़ौरन वापस आ जाऊँगा और किसी को कानो कान नहीं खबर होगी, ये मेरा वादा तुझसे। यार तू क्यों नहीं समझ रहा बात को? अच्छा फिर तू ही बता मैं क्या करूँ? सब्र कर। नहीं कर सकता यार। कुछ दिन कर ले, मैं किसी तरह कोशिश करता हूँ तेरे पास आने की, फिर हम मिलकर इस मामले को निपटा लेंगे। जल्दी आ जाए यार, अब और मजीद इंतजार नहीं कर सकता मैं। ओके, खुदा हाफिज। लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है इसने, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, और मुझे लगता है तो अपने खाने पीने का ख्याल भी नहीं करती। यही तो मुश्किल है डॉक्टर साहब, एक वक्त खाना खाती है और सारा दिन भूखी फिरती रहती है। मैं तो समझा समझा के थक गई, मानती नहीं। ऐसी हालत में तुम्हारा भूखा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखो, वरना आने वाले वक्त में तुम्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और एक बात और, कोशिश किया करें कि ये खुश रहे। फिलहाल मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, इन्हें 2 दिन तक इस्तेमाल करवाएं, और अगर फिर भी फर्क ना पड़े तो मेरी क्लिनिक पे लेकर आ जाइएगा। ठीक है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। डॉक्टर ने बताया है कि ज्यादा टेंशन लेने की वजह से उसकी हालत इतनी बिगड़ी है, मुकम्मल आराम करने को कहा है। जाहिर है इन हालात में उसे आराम कैसे नसीब होगा।
अब परेशान हो गया होना भी, समझ में नहीं आता इस लड़की का क्या करूं। हाँ वो जो मैंने आपसे कहा था डॉक्टर से पूछने के लिए, आपने पूछा था कह रही थी कि इस हालत में सफर करना मुनासिब नहीं। मैं भी यही चाहती हूँ कि फिलहाल अभी घर में ही रहे, जब तबीयत संभल जाए तो ले जाना नथिया गली। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। अच्छा हुआ कि अरीशा भी अपने घर चली गई ना, कम से कम उसे परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन बात तो वही हुई ना आजम, जिस बात से हम डर रहे थे, वो दोनों फिर इस घर में अकेली रहेंगी। अब हम क्या करें ना भी, जो हम कर सकते थे हमने कोशिश करके देख लिया, दुआ ही कर सकते हैं कि खुदा उन दोनों की हिफाजत करे। अना भी कहाँ है? वो रायमा बीबी को जगाने गई है। अच्छा, आजम कसम हो गया। क्या हुआ अना भी, आप इतनी घबराई भी क्यों है? रायमा कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। रुकता नहीं एक पल, दर्द रुकता नहीं एक पल भी, इश्क की ये सजा।